हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज मैं मध्य प्रदेश के जिले के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं मध्य प्रदेश का रतलाम जिले के बारे में पूरी जानकारी दूंगा और इसमें रतलाम जिले के बारे में पूरी विस्तारपूर्वक जानकारी होगी और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी क्वेश्चंस रतलाम जिले के ऊपर बनते हैं वो सभी इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आता है तो इसको आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव ज़रूर दें और इसको अपने जितने भी ग्रुप हैं आपके उन सभी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो या फिर अपने फेसबुक का ग्रुप हो, उन सभी ग्रुप पर आप इनको शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियोज़ को। तो चलिए मैं मध्य प्रदेश के रतलाम ज़िले के बारे में जो विस्तारपूर्वक जानकारी देने जा रहा हूँ उसका वीडियो मैं शुरू करता हूँ। रतलाम जिला, इसका जो पहला पॉइंट है वो लेते हैं अपन। मालवा प्रांत का रतलाम जिला उज्जैन संभाग, ठीक है ना, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, उसमें से एक जिला रतलाम जिला भी है। मानचित्र में देख लेते हैं रतलाम जिला कहाँ पर है। ये मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। ये जो दिख रहा है आपको यह है रतलाम जिला, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में है, पश्चिम दिशा में है। और इससे लगा हुआ रतलाम से जिला लगा हुआ कौन सा राज्य है, राजस्थान राज्य है। ये राजस्थान राज्य है, इसकी बॉर्डर की सीमा यहाँ से यूँ आती है और मुरैना जो है मुरैना ज़िले से भी इसकी राजस्थान की सीमा छूती है। तो इसकी जो रतलाम की सीमा है ये राजस्थान की बॉर्डर बनाती है, ठीक है, और दोनों तरफ से, ठीक है ना, इस तरफ से भी बनाती है और मतलब उत्तर क्षेत्र में भी रतलाम की ये राजस्थान लगता है और पश्चिम क्षेत्र में भी राजस्थान लगता है। अगला रतलाम जिले का पॉइंट है, सन 1829 में कैप्टन बॉर्थविक ने रतलाम नगर की स्थापना की थी। सन 1829 में कैप्टन बॉर्थविक ने, जो अंग्रेज़ों के शासन के कैप्टन थे, उन्होंने रतलाम नगर की इसकी स्थापना की थी। सन 1948 में रतलाम जिले का गठन हुआ था। देश की आज़ादी के बाद में रतलाम जिला बनाया गया था और इसका गठन 1948 में किया गया था। उसके बाद में जनवरी सन 1949 को, ठीक एक साल बाद में, इस जिले का फिर से पुनर्गठन किया गया और इसमें कुछ नए गांव और नई तहसीलों को इसमें जोड़ा गया था। तो इसको 1948 में इसका गठन किया गया था और एक साल के पश्चात जनवरी में, ठीक, जनवरी 1949 को इसका पुनर्गठन किया गया था रतलाम ज़िले का। आइए रतलाम ज़िले के बारे में बिंदुवार तरीके से समझ लेते हैं। रतलाम ज़िले का मुख्यालय कहाँ पर है, स्वयं रतलाम ज़िले में ही है, ठीक है ना, रतलाम में ही इसका मुख्यालय स्थित है। और यह है रतलाम ज़िले का मानचित्र। इस मानचित्र में आप देख रहे हैं इसमें 8 तहसीलें हैं, ठीक है ना, ये 8 तहसीलों के पूरे मानचित्र के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली जो स्वयं रतलाम भी एक तहसील है। रतलाम के बाद में इधर ये रावती, बाजना, सैलाना, पिपलौंदा, ज्वारा, ताल और आलोट, ये 8 तहसील हैं जो कि रतलाम ज़िले में आती हैं। और आगे समझते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ रतलाम ज़िला उज्जैन संभाग में आता है, तो इसका जो संभाग लगता है उज्जैन लगता है। रतलाम ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो है 4861 वर्ग किलोमीटर। पूरा रतलाम 4861 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक। इसका जो क्षेत्रफल है 4861 वर्ग किलोमीटर का है। रतलाम ज़िले का लिंगानुपात कितना है, 971 1000 पुरुषों पर 971 महिलाओं का इसमें लिंग अनुपात है रतलाम ज़िले में। रतलाम ज़िले का जनसंख्या में जो जनघनत्व है वो कितना है, 299 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये रतलाम ज़िले का जनघनत्व है, यहाँ पर इतनी जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है, 299। रतलाम ज़िले की साक्षरता देख लेते हैं, 66.8% रतलाम ज़िले की साक्षरता है। यहाँ पर पुरुष और महिला मिलाकर जो साक्षरता है वो 66.8% है। रतलाम ज़िले में तहसील कितनी है देख लेते हैं। मैंने पहले ही बता चुका हूँ मानचित्र के अनुसार कितनी तहसीलें हैं। इसमें टोटल 8 तहसीलें हैं, कौन सी, रतलाम, सैलाना, बाजना, जवारा, पिपलौंदा, ताल,
रावटी और आलोट, ये मानचित्र में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये रतलाम है, ये रावटी है, ये बाजना, सैलाना, पिपलोंदा, जवार, ताल और आलोट, ये 8 तहसीलें हैं रतलाम ज़िले में। रतलाम ज़िले में कितने विकासखंड हैं, कितने विकासखंड में इसको विभाजित किया गया है, तो वो कुल मिला के 6 हैं। 6 जो विकासखंड हैं वो है रतलाम, सैलाना, बाजना, जावरा, पिपलोंदा और आलोट। ये 6 विकासखंड में रतलाम ज़िले को विभाजित किया गया है। आइए अब देखते हैं क्रमबद्ध तरीके से रतलाम ज़िले के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी तथ्यों को मैं रतलाम ज़िले के बारे में आपको क्रमबद्ध तरीके से बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। तो पहला पॉइंट जो मैंने दिया हुआ है वो है रतलाम ज़िला प्रदेश के सर्वाधिक अंगूर उत्पादन करने वाला ज़िला है। पूरे प्रदेश भर में सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन करने वाला ज़िला है वो है रतलाम, और यहीं पर अंगूर अनुसंधान केंद्र भी है। अंगूर अनुसंधान केंद्र की स्थापना रतलाम ज़िले में ही की गई है। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है और पिछले कई एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि अंगूर अनुसंधान केंद्र किस ज़िले में है मध्य प्रदेश की, तो वह है रतलाम ज़िला, और ये प्रदेश में सिर्फ रतलाम ज़िले में ही है अंगूर अनुसंधान केंद्र। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है खरमोर पक्षी। खरमोर पक्षी जो कि जिसको कि संरक्षण जिसका किया जा रहा है वो कहाँ किया जा रहा है, सैलाना अभ्यारण्य में। रतलाम में अभ्यारण्य है सैलाना अभ्यारण्य, वहाँ पर खरमोर पक्षी जो कि विलुप्त हो रहे हैं उनका संरक्षण सैलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में स्थित है वहाँ पे इसका संरक्षण किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, खरमोर पक्षी के बारे में क्वेश्चन बनता है, इसका ये जो पक्षी है इसका संरक्षण कहाँ किया जा रहा है, तो ये सैलाना अभ्यारण्य है जो कि रतलाम में स्थित है वहाँ पर इसका संरक्षण किया जा रहा है खरमोर पक्षी का। रतलाम ज़िले के उद्योगों के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर सूती कपड़ा उद्योग, एल्कोहल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स और आईजी वायर, जो जीआई वायर है, जीआई वायर की भी यहाँ पर कारखाना स्थापित किया गया है, ठीक है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट है एल्कोहल और ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के जितने भी उद्योग हैं वो रतलाम ज़िले के प्रमुख उद्योगों में आते हैं। अगला पॉइंट है रतलाम ज़िला लौंग की सेब के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पर लौंग का सेब बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि है यहाँ पे, और सुना भी होगा आपने रतलाम ही सेब के नाम से यहाँ से प्रोडक्ट निकलता है जो कि पूरे प्रदेश भर और पूरे भारतवर्ष में काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि है। अगला पॉइंट है चंबल नदी। चंबल नदी रतलाम ज़िले से ही होकर प्रवाहित होती है, ठीक है ना। चंबल नदी जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इंदौर की महू तहसील में जो जाना पाव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से चंबल नदी का उद्गम हुआ है, और ये वहाँ से इंदौर से उद्गम होते हुए निकलती हुई ये नदी रतलाम ज़िले से निकलती हुई आगे मंदसौर से नीमच होती हुई राजस्थान की ओर से निकलती हुई और उत्तर प्रदेश में जाके ये यमुना नदी में जाके मिलती है चंबल नदी, और इसका जो प्रवाह रतलाम ज़िले से भी होकर ये जाती है। अगला पॉइंट समझते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग NH 79, जो नेशनल हाईवे हैं भारत के उसमें से NH 79 जो नेशनल हाईवे है वो रतलाम से होकर ही गुजरता है। रतलाम ज़िले में से होकर NH 79 जो नेशनल हाईवे है वो यहीं से होकर गुजरता है। आइए अब धार्मिक स्थलों के बारे में अपन समझ लेते हैं। रतलाम ज़िले में जो इम्पोर्टेंट जो रिलीजियस प्लेस हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो कौन कौन से हैं, लोटस टेम्पल है यहाँ पर, ठीक है ना, और कौन सा है, सोगोद जैन मंदिर और बिलपाक का गुरुपाक्ष महादेव मंदिर, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, बिलपाक का गुरुपाक्ष महादेव मंदिर और कौन सा, ओलाट का अंधी कल्पेश्वर का मंदिर, ये सारे जो रतलाम ज़िले के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। एग्ज़ाम में ये कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं, इनको आप बिल्कुल अपने दिमाग में इनको सेट कर लीजिए, बार बार दोहराएंगे इनको तो ये आपको याद हो जाएंगे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक करना ना भूलें, और इसको सबसे ज़्यादा अपने फेसबुक और अलग जो भी आपके पास में व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें शेयर करें, और कमेंट्स के माध्यम से आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो आप उससे पूछ सकते हैं। और इसी तरीके से मेरे अन्य वीडियोज़ जिनको मैं आने वाले समय में लेके आऊँगा उनको आप अगर निरंतर देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के ऊपर में या फिर अन्य जो जीके की मैं सीरीज बनाता हूँ उन सभी की वीडियोज़ आपको इसी तरीके से उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप
सामान्य ज्ञान के बारे में अधिक जानकारी मेरी वीडियो के माध्यम से ले पाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।